नमस्कार, आपने लॉगिन किया है वन इंडिया हिंदी चैनल और मैं हूं श्वेता। कभी अपनी बल्लेबाजी से गेंदबाजों में खौफ भर देने वाले पूर्व श्रीलंकाई क्रिकेटर सनथ जयसूर्या आज खुद के पैरों पर चलने के मोहताज हो रहे हैं। आलम यह है कि वह बिना सहारा लिए एक कदम भी नहीं चल पाते हैं। जयसूर्या बैसाखियों के सहारे चलते हैं। कभी विस्फोटक बल्लेबाजी करने वाला यह बाएं हाथ का बल्लेबाज आज घुटनों की समस्या से जूझ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जयसूर्या के घुटनों का ऑपरेशन जल्द ही होगा। क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद जयसूर्या दो बार श्रीलंका क्रिकेट की चयन समिति के चेयरमैन रहे। हालांकि उनका कार्यकाल विवादों से घिरा रहा। जयसूर्या पर आरोप था कि वो उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए। यह भी कहा गया कि उनके कार्यकाल में समिति ने बहुत सारे बदलाव किए जिससे खिलाड़ियों के बीच टीम में अपनी जगह को लेकर असुरक्षा की भावना पनपी और इससे उनके प्रदर्शन पर खासा असर पड़ा। 2017 में जयसूर्या और उनकी टीम ने दक्षिण अफ्रीका के घर में भारत के हाथों हुई दुर्गति के बाद अपने पद से इस्तीफा दिया था और अब जयसूर्या की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर आपका दिल भी सिहर जाएगा। अभी जल्दी में ही जयसूर्या के घुटनों का ऑपरेशन होने वाला है और उम्मीद है कि जनवरी के पहले हफ्ते में ही वो ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं जहां मेलबर्न में उनकी सर्जरी होनी है। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग महीने भर का वक्त लग सकता है। आपको बताते चले कि 48 वर्षीय जयसूर्या 2011 में रिटायर होने से पहले श्रीलंकाई क्रिकेट टीम के मजबूत स्तंभ माने जाते थे। शायद ही कोई गेंदबाज रहा हो जो उनसे खौफ ना खाता हो। जयसूर्या ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के हुनर से श्रीलंका ही नहीं दुनिया भर में अपने फैंस बनाए। हम उम्मीद करते हैं कि जयसूर्या अपनी सर्जरी के बाद जल्द ही दुरुस्त होकर लौटे और एक बार फिर से सामान्य जीवन जिए। इस वीडियो में बस इतना ही। खास खबरों के साथ हम जल्द लौटेंगे। बने रहिए हमारे साथ वन इंडिया हिंदी चैनल।